Good morning, all of you. Today here we will discuss about overview of digestive system. आज हम लोग digestive system के overview के बारे में सीखेंगे. तो जो हमारा digestive system होता है, वो start होता है from oral cavity to anus. Oral cavity से हमारा digestive system start होता है और ये digest होते होते नीचे तक rectum तक जाता है. Rectum से जो हमारा undigested food होता है या जो waste product होता है वो इसके थ्रू बाहर निकल जाता है. इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, आप लोग इसको देख सकते हैं एज इंट्रो. डाइजेस्टिव सिस्टम आल्सो नोन एज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये एक टर्मिनोलॉजी है. अब इसको आप लोग देख के घबराइएगा मत, अभी हम लोग इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे. इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम विच इज स्टार्ट फ्रॉम माउथ टू एनस. गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो को हम जो इस हम जब हम लोग जीआईटी पढ़ते हैं तो इसमें बीच में हमारा स्टमक आता है. स्टमक को हम लोग इन मेडिकल टर्म गैस्ट्रो कहते हैं. तो इसके यहाँ पे ये गैस्ट्रो हो गया और ये हमारा इंटेस्टाइन हो गया. ये इंटेस्टाइन गैस्ट्रो इंटेस्टाइन है और ये फूड की नली हो गई, इसको हम लोग ट्रैक्ट कहते हैं. इसलिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइन या ट्रैक्ट. अब हम लोग कभी भी पढ़ेंगे जब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तो इसको हम लोग जी आई टी के नाम से जानेंगे. जी आई टी का जो मेन फंक्शन है वो फूड को डाइजेस्ट करना. जो केमिकल सब्सटेंसेस है उसको सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस में तोड़ना. तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे पॉइंट है देख सकते हैं. इन जी आई टी फूड इज ब्रोकन डाउन इन अ सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड एज अ न्यूट्रिएंट बाय द बॉडी. बॉडी के द्वारा जो भी हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको हमारा यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा ये एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो हमारा ये रेक्टम है एनस है इसके थ्रू अनवांटेड या अनडाइजेस्टेड जो फूड है एज ए स्टूल के रूप में बाहर निकल जाएगा. अब यहाँ पे हमने फंक्शन ऑफ जीआईटी, जीआईटी का जो मेन फंक्शन है उनके बारे में बात करेंगे. ये आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक ओवरव्यू का टॉपिक है, इसलिए आप लोगों को इसमें ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया. जब हम लोग एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा एक्सप्लेन होगा और ये बस आज एक ओवरव्यू है. आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ओवरव्यू ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. तो यहाँ पे फंक्शन में हम देखते हैं, फंक्शन में इसका जो होगा इंजेशन होगा, ब्रेकिंग होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, सिक्रीशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, रिमूवल होगा. इंजेशन का मतलब कि जो भी फूड आपने लिया, कोई भी फूड हो सकता है, जो भी फूड आपने लिया लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, इनटेक ऑफ एनी फूड पार्टिकल, किसी भी फूड को आपने इनटेक किया इसका मतलब हुआ इंजेशन. अब इंजेशन के बाद ब्रेकिंग, ब्रेकिंग का नंबर आता है. ब्रेकिंग में जैसे आपने ब्रेड लिया, यहाँ पे ब्रेड ब्रेड लिया, अब ब्रेड लेने के बाद इसका जो यहाँ पे माउथ में है ये पिसेगा, ये टूटेगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, यहाँ पे देख सकते हो आप, फिर ये नीचे जाएगा तो इसको हम लोग ब्रेकिंग कहेंगे. उसके बाद ट्रांसपोर्ट, हमारे जीआईटी का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. जब हमारा जो हमने फूड लिया वो जब टूट जाता है सिंपल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से तो वो अलग अलग जगह पे जाता है जहाँ उसकी डाइजेशन होता है. उसके बाद हमारा सिक्रीशन है, सिक्रीशन ऑफ नेसेसरी एंजाइम सब्सटेंसेस फॉर डाइजेशन. यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं. एब्जॉर्प्शन होगा, सिंपल सी बात है, जब फूड डाइजेस्ट हो गया तो उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन भी होना है. और इसके बाद रिमूवल, अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो एब्जॉर्ब नहीं होते वो एज ए स्टूल वो हमारे रेक्टम से बाहर निकल जाते हैं.